जहां एक और कोरोना वायरस से समूचा विश्व लड़ रहा है, डर रहा है, वहीं जलगांव में जब भी देखो पूरे जिले में डर का माहौल कहीं लगता ही नहीं है। लोग बेखौफ रास्तों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं और प्रशासन अपनी ओर से कोरोना वायरस को भगाने में लगा हुआ है। लेकिन अगर लोगों के इसी तरह से हाल रहे तो कोरोना कैसे कम होगा। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप से अब जलगांव बच नहीं पा रहा है। जलगांव शहर के साथ साथ जलगांव जिले में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को कोरोना वायरस 858 के करीब पहुंच गया, जो अपने आप में जलगांव के लिए एक रिकॉर्ड संख्या मानी जा रही है, जिसमें शहर से ज्यादा लगभग 80% लोग गांव के थे जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। हालांकि सभी यह माना करते थे कि कोरोना वायरस गांव में अपना प्रकोप नहीं दिखा पाएगा, लेकिन जिस तरह से जलगांव जिले के लोग कोरोना वायरस से डर नहीं रहे हैं, यह आंकड़ा हैरान नहीं करता है। हालांकि प्रशासन अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी कोशिश भी, जिसकी जानकारी दी है जलगांव के सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर चौहान ने। ग्रामीण भाग में कोरोना के पेशेंट बढ़ने के कारण है ज़्यादा टेस्टिंग। वहाँ पे ये जो बीमारी है, इसका बेसिक जो अगर कम करना है इसको, तो इसके 3 T's है, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। पेशेंट का अगर टेस्ट ही नहीं किया तो पेशेंट को बीमारी हुई है कि नहीं हुई है ये समझेगा नहीं, इसीलिए टेस्ट बढ़ाना जरूरी है। और जितने टेस्ट बढ़ाएंगे उतने पेशेंट जल्दी आइसोलेट हो जाएंगे, और उतने जल्दी आइसोलेट होने की वजह से उनकी वजह से जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है वो थमेगा और ये बीमारी जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। ये बेसिक रीज़न है कि हमने टेस्ट बढ़ाया है। और यहाँ पे अभी तक 1 लाख टेस्ट हुए, 1 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, और उसमें अपना जो पॉजिटिविटी रेट है वो 22% है। तो इसमें बढ़ने का यही कारण है कि अर्ली डिटेक्शन हो रहा है पेशेंट का। पहले क्या होता था कि टेस्ट का रिजल्ट आने को 2-4 दिन चले जाते थे, उसमें पेशेंट का रिपोर्ट आने को टाइम लगने के कारण वो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में चले जाता था और डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते थे। अब क्या है कि टेस्ट का रिपोर्ट आधे घंटे में या 24 घंटे में आ जाता है, और अर्ली डिटेक्शन होने की वजह से उसको ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाती है, और उसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया है। एक समय था कि उस समय पे अपना जिले का डेथ रेट 12 से भी ज़्यादा था, लेकिन आज की घड़ी में महाराष्ट्र का जो स्टेट का डेथ रेट है उससे भी कम हो गया है। ये टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट, ये जो फार्मूला है ये ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होने की वजह से अपने को ज़्यादा केसेस दिख रहे हैं। ग्रामीण एरिया के लिए होम आइसोलेशन की भी फैसिलिटी रखी है, उसमें 2200 पेशेंट एडमिट है, और हमारे यहाँ कोविड केयर सेंटर 96 है, उसमें से 25 फंक्शनल है, और अभी तक उसमें 12,878 बेड्स हैं। और DCHC जो मॉडरेट पेशेंट रखने के लिए जगह है वो 35 है, और 35 में से 1649 अपने पास बेड्स है, और DCH 6 है, 960 बेड है, 269 ICU बेड्स है अपने पास, 200 वेंटिलेटर है, O2 सपोर्टेड बेड जो है 1578 है, अभी 300 और बढ़ने वाले हैं। तो O2 सपोर्टेड बेड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, पेशेंट को O2 मिलना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो 2000 बेड्स होने वाले हैं, और सब मिला के 15,000 बेड्स है। और अभी हमारे पास एक्टिव बेड्स जो है, एक्टिव पेशेंट्स जो है वो 6,500 के नियर अबाउट है, तो हमारी अभी 50% बेड्स भी यूटिलाइज नहीं हुए हैं, हमारे पास पर्याप्त बेड है। और अर्ली डिटेक्शन की वजह से असिम्प्टोमेटिक पेशेंट इसमें ज़्यादा, 90% पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है और 10% पेशेंट ये सिम्प्टोमेटिक है, 10% पेशेंट के लिए हमारे पास जो बेड्स है वो पर्याप्त है। डॉक्टर चौहान ने बताया कि किस तरह से और कितनी तैयारियां की जा रही है, क्या क्या सरकार तैयारियां कर रही है, क्या उपाय योजनाएं की जा रही है, लेकिन इनकी उपाय योजना तभी सफल होगी जब जनता इनका साथ देगी और लोग कोरोना से डरना शुरू करेंगे। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए।
सर्वमङ्गलम् नक्षत्रमङ्गलम् अलङ्कारमङ्गलम् रतनलाल सिंह बाफना ज्वेलर्स भारतवर्ष का स्वर्ण तीर्थ।